अनसुने किस्सों के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं उस दौर में जब एक्ट्रेस स्मिता पाटिल ने लेट कर मेकअप करवाने की जिद पकड़ ली थी। किस्सा कुछ यूं हुआ कि स्मिता पाटिल की आखिरी फिल्म गलियों का बादशाह की शूटिंग हो रही थी। फिल्म में राजकुमार उनके ऑपोजिट हीरो थे। एक दिन शूटिंग शुरू होने से पहले स्मिता पाटिल को फुर्सत मिली तो वो राजकुमार से मिलने उनके मेकअप रूम में पहुंच गए। जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर गई तो देखा राजकुमार लेट कर मेकअप करवा रहे हैं। स्मिता जी बिल्कुल हैरान हो गई क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को लेट कर मेकअप करवाते नहीं देखा था। वो तुरंत अपने कमरे में गई और मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से लेट कर मेकअप करवाने की जिद करने लगी। जैसा हाल कुछ देर पहले स्मिता का था वो हाल अब मेकअप आर्टिस्ट का था। दीपक ने उन्हें समझाते हुए कहा, लेट कर मेकअप करवाना आसान नहीं है। स्मिता ने कहा, लेकिन राजकुमार तो अंदर लेट कर मेकअप करवा रहे हैं। दीपक ने फिर कहा कि राजकुमार की बात अलग है, वो जिद्दी हैं, उनकी नकल करना ठीक नहीं है, आप बैठ कर मेकअप करवाइए। स्मिता ने जिद छोड़ दी। एक साल बाद बेटे को जन्म देने के बाद 13 दिसंबर को स्मिता पाटिल का निधन हो गया। और संजोग देखिए, लेट कर मेकअप करवाने की हसरत जो उस समय पूरी नहीं हुई अब पूरी हो रही थी। इनका मेकअप दीपक सावंत ने ही किया। अनसुने किस्सों के इन पलटते हुए पन्नों में और भी अनोखी दास्तां को सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।